मेरा तो अभी भी क्रेज है, मुझे करनी है आई मीन फिल्में, मुझे करने हैं अच्छे प्रोजेक्ट्स। तो बाकी लोगों में हुआ है नहीं हुआ है मुझे नहीं पता, मुझ में नहीं हुआ है वो क्रेज कम। उस चीज को बहुत मुश्किल बना दिया है जबकि वो इतनी मुश्किल नहीं थी, एंड दैट इज द रीजन नाउ इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट। आई मीन आई हैड माई ओन स्ट्रगल्स एंड माई ओन जर्नी, तो ये नहीं कहूंगी कि बहुत ही आसानी से सब कुछ हो गया है, बिकॉज इट वॉज काइंड ऑफ माई कॉन्शियस डिसीजन। सपने तो हम सभी देखते हैं, मगर वो सपने हमारे पूरे होंगे या नहीं ये हमें नहीं पता होता है। आज हमारे साथ जो आर्टिस्ट जुड़ने वाली हैं उनका नाम है हेलिशा। हेलिशा ने भी एक ऐसे ही सपना देखा था और उन्हें नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हेलिशा से। मैं हूँ अनुराधा गुप्ता और आप देख रहे हैं हर जिंदगी। हाय हाय अनुराधा, हाय अली। हेली, बहुत कम उम्र में आपने ये इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, तब से लेके अब तक काफ़ी वक्त बीत चुका है। अगर हमें जानना चाहे कि हेली अभी अपने आप को कहाँ पाती हैं, कहाँ देखती हैं, तो आप क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छी जगह पाती हूँ। नो ऑनेस्टली आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव रिसीव्ड, जितना भी काम किया है, जितने भी लोगों से मिली हूँ, एंड अ जर्नी दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ, अ जर्नी दैट आई एम सो हैप्पी अबाउट, कि चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो फेलियर हो, चाहे एक हर किसी की जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हाईज लो सब कुछ ही होता है। सो आई थिंक आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरी एक्सपीरियंस, बिकॉज हर एक चीज़ ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया है, एक बेटर आर्टिस्ट बनाया है। सो आई थिंक आई एम एट पीस, इफ दैट्स लाइक द आंसर दैट यू वर एक्सपेक्टिंग मी टू गिव। पहली काफ़ी समय बीत चुका है आपको इंडस्ट्री में और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में हम आपको देख भी चुके हैं, तो आपको कब लगा कि ये वो मोमेंट था जब मुझे एक पहचान मिली, लोगों ने मुझे जानना शुरू किया, मेरे फैन बेस बनना स्टार्ट हुआ? आई थिंक वो स्वरागिनी के टाइम ही था, बिकॉज दैट वॉज अ शो विच वॉज अ बिग हिट, एंड उस शो से काफ़ी रिकॉग्निशन मिली है, उस शो से काफ़ी कुछ मिला है। सो प्रॉब्ली उस टाइम पे ही मुझे रियलाइज हुआ था, या फिर उससे पहले मैं एक पहला शो कर रही थी मेरा गुलाल, जब कुछ दो छोटे बच्चे आए थे मेरे पास, वो वर एक्चुअली गोइंग टू सम अदर एक्टर ऑटोग्राफ लेने, बिकॉज उस टाइम पे ऑटोग्राफ का ज्यादा क्रेज था रादर देन फोटोग्राफ्स। सो दोज टू किड्स दे केम अप टू मी एंड आई वाज लाइक हाउ स्वीट, और मैं भी बच्ची थी यार, आई वाज 15 एट दैट टाइम। सो मुझे ऐसा लगा यार ये लोग जानते हैं मुझे, आई मीन एट दैट टाइम वो एक एक माइंड स्पेस था कि हाँ क्यूट, मुझे अच्छा लगा था वो। अच्छा हेली, टीवी इंडस्ट्री का पार्ट होते हुए जब बात आती है आगे मूव करने की, बॉलीवुड में एंट्री मिलने की, तो वो कितना मुश्किल होता है, और जब एंट्री मिल जाती है एक आर्टिस्ट को, तो वहाँ पे सर्वाइव करना कितना मुश्किल होता है उसके लिए? इट्स आई थिंक द पीपल हु डन दैट, एंड फिर उस तरह उस वजह से सबका नोशन बन गया है, एंड उस चीज़ को बहुत मुश्किल बना दिया है, जबकि वो इतनी मुश्किल नहीं थी, एंड दैट इज द रीजन नाउ इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट। एंड आई वोंट से दैट द जर्नी हैज बीन ईजी, बिकॉज मुझे इवन आफ्टर डूइंग सो मच ऑफ वर्क, एक 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 ऐसा मोमेंट आता है ना वेर यू फील दैट नो के नो आई एम एक्चुअली गेटिंग आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन, मैं एक दूसरी जगह जा रही हूँ जहाँ पे शायद लोग मुझे नहीं पहचानते इतना। सो आई रियली वॉन्ट टू मेक माई मार्क ओवर हियर एंड प्रॉबेबली स्टार्ट एवरी थिंग फ्रॉम स्क्रैच। तो इट हैजन बीन लाइक अ केक वॉक, इट आई मीन आईव हैड माई ओन स्ट्रगल्स एंड माई ओन जर्नी, तो ये नहीं कहूंगी कि बहुत ही आसानी से सब कुछ हो गया है, बिकॉज इट वॉज काइंड ऑफ माई कॉन्शियस डिसीजन कि ठीक है यार नहीं, मुझे अपने आप को और एक्सप्लोर करना है, बिकॉज सिंस वी हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज वाई नॉट, आई रियली वॉन्ट टू डू दैट। आई मीन आप सिर्फ एज एन एक्टर मुझे पूछ रहे हैं, बट हर हर फील्ड में आप देखेंगे आप एक काम शुरू कर देते हैं, बट देन इट्स योर कंसिस्टेंसी, इट्स योर एबिलिटी, इट्स योर
टैलेंट एट दी एंड कि आप कैसे करते हो, आप कैसे उस चीज को मेंटेन करते हो. एंड एज एन आर्टिस्ट वो मेरा कॉन्स्टेंट काम रहता है जो मुझे अपने ऊपर करना है, अपने क्राफ्ट के ऊपर करना है एंड अपने प्रोजेक्ट्स में उस चीज को डिलीवर करना है. सो वो चाहे ये करूँ या मैं कुछ और कर रही हूँ, इट्स ऑलवेज, आई थिंक इट्स फॉर यू ऑल्सो, इट्स समथिंग वेरी सिमिलर. कि मैं ये भी पूछ सकती हूँ कि यार आपके लिए भी उतना ही वो रहता है दैट कॉन्स्टेंटली यू हैव टू कीप अपडेटेड, कीप ऑन डूइंग सम और द अदर थिंग, कि कुछ नई चीज मैं क्या नया कर सकती हूँ, मैं क्या नया ला सकती हूँ, यू नो. तो इट्स अ पार्ट ऑफ द जॉब. पहले अच्छा, आजकल आर्टिस्ट के लिए बहुत सारे स्पेक्ट्रम्स हैं. OTT है, वेब सीरीज़ हैं, आपने भी वेब सीरीज़ की है, बॉलीवुड है ही है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सोशल मीडिया है. तो क्या ऐसा लगता है कि अब बॉलीवुड में जाने का क्रेज़ कुछ कम हो रहा है आर्टिस्ट में, क्योंकि यहीं पे बहुत सारी पॉपुलैरिटी मिल रही है उन्हें? मुझे नहीं लगता, मेरा तो अभी भी क्रेज है, मुझे करनी है आई मीन फिल्में, मुझे करने हैं अच्छे प्रोजेक्ट्स. तो बाकी लोगों में हुआ है नहीं हुआ है मुझे नहीं पता, मुझ में नहीं हुआ है वो क्रेज कम. थोड़ा सा मुझे अपना जो आपका गुल्लक वेब सीरीज है उसके बारे में बताइए, और उसमें आपका क्या रोल है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. ऑब्वियसली सबको पता है कि गुल्लक एक बहुत ही प्यारा शो है जिसको बहुत लोग पसंद करते हैं. तो फोर्थ सीजन में आप लोग देखेंगे मुझे, मेरा जो कैरेक्टर है वो एक डेंटिस्ट का है. सो आप देखेंगे कि ये एक डॉक्टर है, और फिर आगे आप देखेंगे शो में डॉक्टर प्रीति नाम है मेरे कैरेक्टर का. एंड ऑनेस्टली आई एम वेरी हैप्पी, जेन्यूनली वेरी हैप्पी कि मैं गुल्लक का हिस्सा हूँ, बिकॉज ये शो मुझे बहुत पसंद था. तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ, जब मेरी सारी चीजें फाइनल हुई, आई वॉज सो सो हैप्पी. आई स्टिल रिमेम्बर जब मुझे कॉन्फर्मेशन मिला, मैं थी अहमदाबाद में एंड मैं किसी के ऑफिस में जा रही थी, एंड देन आई रेड दिस मैसेज एंड मैंने ऐसे काम डाउन किया है अपने आप को लिटरली, बिकॉज मेरी आदत है मैं ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाती नहीं हूँ, बट अंदर मेरे बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही थी एंड आई वॉज सो सो हैप्पी एंड एक्साइटेड. मैंने किसी को नहीं बताया, आई डोंट नो, आई एम फॉर सम रीजन मैं नहीं बताती हूँ चीजें, घर में भी किसी को नहीं बताती हूँ, बस मैं बहुत खुश थी. एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम गुल्लक की यूनिवर्स में एक फीमेल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है. सो आई होप पीपल लाइक माई कैरेक्टर, आई होप पीपल लाइक दिस फ्रेशनेस. हेली, हमारे जो टीवी इंडस्ट्री से बहुत सारे आर्टिस्ट पहले भी कांस में जा चुके हैं, और जब गए हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें ट्रोल भी किया गया है कि अरे ये टीवी इंडस्ट्री से, जैसे कि आपने अभी बोला भी कि हमें कैटेगराइज कर दिया गया है कि हम टीवी इंडस्ट्री से हैं. तो आप भी कांस में जा चुकी हैं, कभी ऐसा हुआ आपने एक्सपीरियंस किया कि आपको भी ट्रोल किया हो गया हो? जब मैं गई थी तब की बात कर रहे हैं आप, आई थिंक व्हेन आई वेंट 2 इयर्स बैक, मुझे बहुत प्यार मिला था एंड आई वॉज सो सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल. यार ऑब्वियसली आप कोई भी चीज़ करते हो पहली बार या इन जनरल जब भी आप कुछ करते हो, दो तरह के कॉमेंट्स आते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव. तो आई एम समबडी हु ऑलवेज लाइक्स टू फोकस मोर ऑन द पॉजिटिव. मैं कह सकती हूँ कि अगर मुझे 10 में से 9 पॉजिटिव मिले थे, एक नेगेटिव था जो मेरे लिए मैटर नहीं करता है, तो वो चीज तो हमेशा ही रहती है. सो इट्स अप टू द पर्सन उस चीज को कैसे हैंडल करते हैं. एंड मेरे लिए पॉजिटिव्स बहुत ज्यादा थे, सो आई वाज वेरी हैप्पी राइट फ्रॉम मीडिया टू माय फ्रेंड्स फैमिली एवरीबडी. आई थिंक दे ऑल अप्रिशिएटेड एंड दे ऑल गेव मी सो मच लव, तो मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश थी. अच्छा हेली, अब हम आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे. सो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज लव फॉर यू? कंफर्ट फैंडम मोमेंट जो आपको अभी भी याद आता हो. या बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं, बट एक आज का किस्सा सुना देती हूँ. आज मैं कहीं गई थी और मैं घर की तरफ जा रही थी, तो मैं सडनली वहां पे एक ट्रैफिक का पैच था जहां से मैं जा रही थी, एंड सडनली आई सी दिस एक्टिवा, दो लड़कियां जा रही थी, वो बीच ट्रैफिक में रुक गई और वो बस मुझे देख रही है एंड देन शी स्टार्ट रिकॉर्डिंग मी. फिर उसने मुझे हाई किया, फिर मैं चलने लगी, तो शी ट्राई टू फॉलो मी. उसके बाद हम दोनों के रास्ते ऐसे जा रहे थे, मैं इस तरफ जा रही थी, वो इस तरफ जा रही थी, तो वहां पे सिग्नल था, मैं रुकी थी, वो भाग के आई, कहती एक फोटो एक फोटो, दूर से उसने मुझे कहा, मैंने बोला आ जा,
तो फिर हमने एक फोटो ली, मैंने क्लिक की एंड देन शी वाज सो हैप्पी. अच्छा लगता है यार. आई मीन आई एम ऑलवेज वेरी ग्रेटफुल. ऐसे कुछ कुछ मोमेंट्स होते हैं ना जब आपको ऐसा लगता है कि वो लोग जो आपको पर्सनली जानते नहीं है बट देन दे स्टिल कनेक्ट विथ यू. आई थिंक इट्स अ वेरी हम्बलिंग फीलिंग. पहले अपना कोई एक ऐसा क्रश बताइए, चाहे वो टीवी इंडस्ट्री से हो या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री से. विकी कौशल. ठीक है, मेरा भी वही है. ओके, थिंक यू लाइक अबाउट योरसेल्फ एंड थिंक यू डोंट लाइक अबाउट योरसेल्फ. What I like and what I'm proud of, I would say my willpower. मुझे लगता है often हम उस चीज़ को ना बहुत ही ignore कर देते हैं, but मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उस चीज़ को once in a while appreciate करूँ, so that I'm also aware that okay, I can do this. One thing that I don't like about myself, okay, कई बार मैं बहुत ही impulsively react कर देती हूँ. अब तो मैं काफ़ी ठीक हो गई हूँ. अभी भी मुझे लगता है दैट वो जो इम्पल्सिव रिएक्शंस होते हैं ना, आई रियली वांट टू हैव अ कंट्रोल ऑन दैट. अब हम थोड़ा सा कुछ डेली यूज में जो स्लैंग्स हम यूज करते हैं वो मैं आपको एक एक करके बोलूंगी, आप उन्हें. मैं तो बहुत बुरी हूँ उसमें, बता देना. चलो मैं हेल्प कर देना. आई एम टू बैड एट इट. नहीं बता पाए तो पास करिएगा, मैं आपको बता दूँ. ठीक है, डन. ओके, तो पहला है IYKYK. हाँ, ये तो पता मुझे. इफ यू नो यू नो. वेरी गुड. GTG. गेट टू गो. TNTL. टॉक. पास. पास. ट्राइंग नॉट टू लाफ. ट्राइंग नॉट टू लाफ. अच्छा, ये नहीं पता था मुझे. YKR. व्हाट? वाई. यू नो राइट. बराबर. यस यस यस. आई एम टू अंडर कॉन्फिडेंट. मुझे पता ही नहीं है. Because मैं prefer करती हूँ पूरा लिखना. Actually, मुझे भी कुछ कुछ आज ही पता चले हैं. हाँ. TBH. To be honest. हाँ. Good. WYWH. W what? WY. WYWH. What you were? H का क्या होगा? What you were hiding? Us. Wish you were here. रिलेशन व्हाट यू वर हाइडिंग. कहाँ पहुंची हूँ. ओके, लास्ट लास्ट. IRL. इन रियल लाइफ. इन रियल लाइफ. हाँ, मैं यूज नहीं करती बट हाँ मैंने मैंने आप चेक करो कहीं पे देख रहे हो. नहीं जय, मैं कहीं नहीं देख रही हूँ बट लाइक आई सेड मैं देखती नहीं हूँ. बट कई बार ना कोई मैसेजेस कोई भेजता है ना, फिर मुझे समझ नहीं आता, देन आई हैव टू गूगल इट ये क्या लिखा है. ऐसे एब्रिवेशन जब होते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है ये क्या लिखा. एक्चुअली ऐसा हम लोग करते हैं. हाँ. हाय, दिस इज हेलीशा एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन हर जिंदगी. प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.